नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा, जो कि हाथ से लिखे हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने नोट किए हैं। तो जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जा सकता है। तो बताइए कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। फिर है कि नासा ने किस कंप्यूटर को सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर बताया है, विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर किसको बताया है। नासा के द्वारा कोलंबिया को बताया गया है। किसको? कोलंबिया को बताया गया, ठीक है। फिर है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर के अंतर्गत स्थित है, तो इसका राइट आंसर बेंगलोर हो जाएगा। फिर है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बताइए। कोई किसके बारे में पूछ रहा है? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक, कौन सा है? एनियक, ठीक है। फिर है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, मतलब कि भारत में बना हुआ जो पहला कंप्यूटर है वह कौन सा है? सिद्धार्थ, तो उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ। माइक्रोसॉफ्ट एक प्रकार से क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, ठीक है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, या फिर सूचना राजपथ किस से संबंधित है? तो जो सूचना राजपथ है ये इंटरनेट से संबंधित है। भारत का जो पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है कहाँ पर खोला गया? ये नई दिल्ली में खोला गया था। अगर रेलवे के अंतर्गत बात करें तो वो भी नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर है CAD की फुल फॉर्म बताइए क्या है। तो कंप्यूटर एडिड डिजाइन इसकी फुल फॉर्म रहेगी। IBM की फुल फॉर्म बताइए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक प्रकार की IBM कंपनी है, ठीक है। CD-ROM की बताइए, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इनकी ये क्या है, फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। फिर है कौन सा उत्पाद पेंटियम, किसमें पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, मतलब कि ये दूसरे नाम से बेचा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये पेंटियम नाम से बेचा जाता है, ठीक है। फिर है कि याहू गूगल और MSN क्या है ये? ये याहू गूगल आप सभी को पता ही होगा, क्या इंटरनेट साइट है ये? तो क्या है ये? इंटरनेट साइट्स। फिर है कि बताइए निम्नलिखित में से कंप्यूटर की एक भाषा कौन सी नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सी नहीं है? तो पिछले में मैंने बताया था फोर्ट्रॉन भी है, बेसिक भी है, सी भी है, तो कौन सा? फास्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। फास्ट क्या है? कंप्यूटर की भाषा नहीं है। फिर है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है? देखो एक तो उसने पूछा था सर्वाधिक कंप्यूटर, ठीक है, पर वो क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल था। पर इसमें क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर बताइए। तो T3 ये जो है वह विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? अनुपम भी एक कंप्यूटर से संबंधित है। अनुपम क्या है? एक कंप्यूटर से संबंधित है, या फिर एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किन संस्था ने किया था? कि भारत में जो परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? तो CDSE के द्वारा किया गया, ठीक है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट जो होती है वही है कंप्यूटर डाटा की क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है। फिर है माइकल एंजोला जो है ये एक कंप्यूटर वायरस है। ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, माइकल एंजोलो एक क्या है? कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या होती है? सभी कंप्यूटर में कौन सी, इसका कहने का मतलब ये है कि सभी कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? तो मशीनी जो भाषा है वह लागू होती है। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? एक चौथी पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर है, या चौथी पीढ़ी का क्या है? एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ये डिटेल वाली जो वीडियो है उसके अंतर्गत मैंने बता रखा है, देख सकते हो, ठीक है। ये PD वाले करने जरूरी है। फिर है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति करने वाला कंप्यूटर होगा, जो हमारे दिमाग की, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, जो नकल करने वाला कौन सा होगा? क्वांटम कंप्यूटर होगा। कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर। 1 बाइट कितनी बना होता है? तो 8 द्वि आधारी अंकों का बाइट बना होता है। कितने का? 8 का। असेंबलर क्या है? असेंबलर क्या है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर है। किसको? असेंबली जो भाषा है उसको यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है। स्पैम क्या है? ये एक प्रकार का कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक शब्द है,
ठीक है। ALU क्या है? ALU यहाँ पर मेरे ख्याल से गलत लिखा गया है। ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। फिर है जो IC है, IC के बारे में पिछले में भी आपने पढ़ा होगा। IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, या फिर ये बोल सकता हूँ IC किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था, तो वर्द एकीकृत परिपत्र था, ठीक है। जिसे डिटेल में नहीं देखा वहाँ जाकर ये पीढ़ी जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है? भारत के अंतर्गत की बात कर रहा है कि सबसे पहले भारत में जो कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया था उसका नाम बताइए क्या है। सी ब्रेन। क्या है? सी ब्रेन, ठीक है। अरनेट क्या है? अरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है ये? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? ईमेल। किसके लिए? संदेश के लिए, ईमेल, ठीक है। प्रदेश क्या है? प्रदेश कंप्यूटर की भाषा है। डायरेक्ट देगा प्रदेश क्या है, ऑप्शन में देगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या कुछ नहीं या फिर देश, तो क्या है? प्रदेश एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। माउस, किस माउस जैसा कार्य कौन करता है, मतलब कि माउस के प्रकार का और कौन इसी की प्रकार तरह कार्य करता है, तो ट्रैक बॉल जो है वह माउस की तरह ही कार्य करता है। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट रहा हमारा जो इम्पोर्टेंट है। KVSB और जिसमें भी कंप्यूटर आता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देख सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।